ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर्स महासंघ की ओर से धर्मशाला में अपनी आवाज़ बुलंद की गई। हिमाचल में कोरोना वायरस के चलते दोहरी मार झेल रहे टैक्सी ड्राइवर अब अपनी मांगों को लेकर मुखर होने लगे हैं। जहां एक ओर तो लॉकडाउन में ढील होने के बाद भी सवारियों की संख्या बेहद कम है, जिसकी वजह से ड्राइवरों की आमदनी बंद है, वहीं दूसरी ओर आबकारी एवं कराधान विभाग ने गाड़ियों के पैसेंजर टैक्स न अदा करने के चलते चालान काटना शुरू कर दिए हैं। धर्मशाला में कराधान विभाग ने कमर्शियल व्हीकल्स के पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स की रसीद न दिखाने के चलते चालान काटे। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग के तहत वसूले जाने वाले टोकन टैक्स को स्पेशल रोड टैक्स में छूट की अधिसूचना जारी की है, न कि HPPGT एक्ट में पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स के संबंध में छूट का प्रावधान किया है, जिसके चलते अभी चालान काटे गए हैं, पेनल्टी नहीं लगाई गई है। ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर्स महासंघ के मुख्य संरक्षक प्रेम सूद महामंत्री रमेश चटियाल ने कहा कि हिमाचल में टैक्सी और कैब ड्राइवरों के सामने खाद्यान्न संकट की स्थिति आ गई है। इस वजह से हिमाचल के टैक्सी ड्राइवरों के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है, जहाँ एक और टैक्सियों की भारी भरकम EMI ड्राइवरों को देनी पड़ रही है, तो वहीं उनके लिए अपने परिवार का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में विभाग द्वारा चालान काटने से उनकी समस्याएं बढ़ गई हैं। बाजार खुलने के बावजूद यात्रियों की संख्या बहुत कम है। जो भी लोग आवाजाही कर रहे हैं तो वो अपनी प्राइवेट गाड़ियों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। धर्मशाला टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन के अध्यक्ष होशियार सिंह ने कहा कि हिमाचल के टैक्सी ड्राइवर उत्तराखंड दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तरह ही प्रदेश सरकार से आर्थिक मदद की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे लगातार अपनी गाड़ियों को सैनिटाइज करते हैं और यात्रियों को किसी तरह से कोरोना महामारी का खतरा ना हो इसका पूरा ध्यान रखते हैं। इसके बावजूद उन्हें सवारियां नहीं मिल पा रही हैं। अगर सरकार ने उन्हें जल्द आर्थिक मदद नहीं दी तो उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक सेवाएं वाहनों, मालवाहक वाहनों, शिक्षण संस्थानों की बसों, निजी सेवा वाहनों को टोकन टैक्स और स्पेशल रोड टैक्स में छूट दी है। ये छूट 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2020 तक दी है। इसके अलावा जिन ट्रांसपोर्टरों ने मार्च माह में टैक्स जमा नहीं करवाया था, वे अगस्त माह में टैक्स जमा करवा सकेंगे। हालांकि 21 मार्च से 31 मार्च 2020 की लॉकडाउन अवधि को नॉन ऑपरेशनल दिनों में गिना जाएगा और उपरोक्त छूट अवधि में इसकी क्षतिपूर्ति शामिल की गई है। इसके साथ ही सरकार ने कोरोना के चलते लॉकडाउन की अवधि के दौरान परमिट नवीनीकरण में देरी से संबंधित जुर्माने को भी माफ कर दिया है। आज धर्मशाला में यहाँ पर एक ऑल टैक्सी ऑपरेटर यूनियन की बैठक हुई, जिसमें सरकार से मांग रखी गई कि जो सरकार ने नोटिफिकेशन, जो MHA की गाइडलाइन में नोटिफिकेशन थी कि अगले आपके 6 महीने या 3 महीने के जो टैक्स माफी का था उसके ऊपर था, क्योंकि पिछले दिनों जो सरकार के आदेश है उसके बावजूद जो PGT पैसेंजर गुड्स टैक्स के डिपार्टमेंट है उनके द्वारा धर्मशाला में बहुत चालान किए जा रहे हैं। आपको पता ही है कि इस टाइम जो टूरिज्म सेक्टर है वो उसकी हालत जो है वो औंधे मुंह पड़ी हुई है, क्योंकि आगे लगता है कि कम से कम भी 1-1.5 साल तक तो टूरिज्म उठेगा नहीं, और मैक्लोडगंज और धर्मशाला बेसिकली जो ये जगह हैं ये तो टूरिज्म के ऊपर ही डिपेंड है। धर्मशाला के ऑपरेटर जनवरी फरवरी मार्च तो यहाँ पर ऑफ सीजन रहता है, मार्च के बाद कुछ आस रहती है कि टूरिस्ट सीजन चलेगा और जो पिछली रिकवरी है, जो हम EMI नहीं दे सकते हैं या टैक्स नहीं दे पाते हैं, उनकी भरपाई हो। लेकिन कोरोना के इस महासंकट ने इस इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया है, तो हमारी तो सरकार से यही मांग है कि जो भी आप MSME के तहत बाकी इंडस्ट्री को फ़ायदा दे रहे हैं वो टैक्सी ऑपरेटरों को भी दे, क्योंकि टैक्सी ऑपरेटर जो आज तक आप ना उसने सरकार से कुछ मांगा है, उन्होंने अपने ही अपने बलबूते पे बैंक से लोन लेके गाड़ियां चलाई डाली और अपने रोजगार खुद ही स्वयं रोजगार तलाश किया उन्होंने, और आज इस हाल में है टैक्सी ऑपरेटर कि उनको अपना परिवार का गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आपसे छुपा नहीं है पिछले कम से कम 4 महीनों में एक भी गाड़ी नहीं चली, क्योंकि गाड़ियों का काम तो ऐसा है कि सुबह कमाते हैं लड़के हमारे और बेचारे शाम को अपने घर का पालन पोषण बच्चों का करते हैं। तो जो ये सरकार चालान की
कर रहे हैं। तो हमें तो ये कि सरकार से कि जो आपकी MHA की गाइडलाइन है उसके तहत सभी डिपार्टमेंट को आदेश दिया जाए कि उसकी नोटिफिकेशन, क्योंकि टैक्स आज तो ये 3 महीने का टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन ये जब भी आपके सिस्टम में ये जनरेट नहीं होता, ये आपका सिस्टम जनरेट नहीं होता तो आगे आने वाले टाइम में ये विद फाइन तो क्या चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सहित ये अपना पैसा वसूल करते हैं। आज हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर यूनियन, आल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर यूनियन और धर्मशाला की 3 यूनियन है, वो हिमाचल प्रदेश सरकार से और धर्मशाला के प्रशासन से एक मांग करती है कि जो इन्होंने धर्मशाला में ठेका प्रथा चलाई है उसको बंद करें, और ये जो टैक्सियां लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में जहां भी टैक्सियां ले रही हैं और टैक्सी यूनियन से लें, क्योंकि एक ही आदमी की 50 टैक्सियां चलें और बाकी टैक्सी ऑपरेटर यहां पर बैठे रहें तो ये गलत बात है।